चौहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट से पहले, वन प्रबंधन से पहले, हम लोगों को झारखंड का भूगोल के अंतर्गत झारखंड में वन नीति के बारे में जानना बहुत आवश्यक था। ये बिल्कुल भी छोटा सा टॉपिक है और इसे टीचर लोग बताते नहीं हैं, लेकिन इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, इसी के लिए मैंने इस टॉपिक को भी शामिल किया हुआ है। तो प्यार दोस्तों, बिल्कुल भी एक छोटा सा वीडियो सेशन है, इसको आपको पूरा देखना है, चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएंगी। और यह वन से संबंधित चौथा क्लास है। देखिए प्यार दोस्तों, टॉपिक तो वही है वन वाला, लेकिन ये क्लास चौथा है, भाग चार है, इसके बाद भी दो तीन और भाग आएंगे। तो ये 14th लेसन आपको पूरा का पूरा देखना है, जितना भी भाग इसमें रहेगा 14th लेसन के सभी भागों को, सभी पार्ट्स को देखने के बाद आप बिल्कुल भी वन से संबंधित एक भी प्रश्न को छोड़ने वाले नहीं होंगे। तो चलिए प्यार दोस्तों, वीडियो सेशन को अब आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक बार ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राष्ट्र संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सभी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ हो सके। तो चलिए प्यार दोस्तों, वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, और ये वीडियो सेशन आपको झारखंड का भूगोल के अंतर्गत मिल जाएगा, अपने प्यारे YouTube चैनल में ही कोचिंग सेंटर पर जाकर सर्च कर सकते हैं। प्यार दोस्तों, देखिए मैं बात को यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि वन नीति जो है ना, सबसे पहले स्वतंत्र भारत के पहले, जबकि अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उसके पहले भी वन नीति एक आई थी, वन नीति बनी थी। वो कब प्यारे दोस्तों? वह 1894 ईस्वी में। तो भारत में प्रथम वन नीति 1894 ईस्वी में बनाई गई थी। जबरदस्त वाला जीके प्यार दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। भारत में प्रथम वन नीति 1994 ईस्वी में बनाई गई थी। चलिए अब बात करते हैं, जब अपना देश आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति 1952 ईस्वी में बनाया गया। प्यार दोस्तों, दोनों बात को आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम वन नीति 1894 ईस्वी में बनाई गई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति 1952 ईस्वी में बनाई गई। तो प्यार दोस्तों, क्या हुआ? 1952 ईस्वी में वन नीति बनी, लेकिन 1952 ईस्वी का जो वन नीति था, या 1894 ईस्वी का जो वन नीति था, इसका मुख्य केंद्र क्या था प्यार दोस्तों? इस नीति का, इन दोनों नीति का मुख्य उद्देश्य सिर्फ राजस्व की प्राप्ति करना था, कि वन से राजस्व की प्राप्ति कैसे हो, इसी के लिए ये दोनों नीतियां बनाई गई थी। लेकिन चीजों को प्यार दोस्तों बहुत बेहतरीन ढंग से समझना है, लेकिन 1980 के दशक आते 1980 का दशक आते ऐसा एहसास हो गया कि वन नीति का उद्देश्य अगर सिर्फ राजस्व की प्राप्ति करना होगा तो ये वन नीति बेकार हो जाएगा। और वही हुआ, जंगलों की अंधाधुंध कटाई होने लगी। क्यों? क्योंकि राजस्व की प्राप्ति करना था, तो जंगलों को काट कर ही तो राजस्व की प्राप्ति की जा सकती थी। तो जब वन नीति बेकार होने लगी
तो इन सभी बातों को भी सोचा गया कि वनों का और क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो प्यार दोस्तों, वनों का उद्देश्य जो मिट्टी की कटाई होती है उसको भी तो रोकना होना चाहिए। उसके बाद जो ऑक्सीजन लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक मेंटेनेंस है वो भी तो बरकरार होना चाहिए। उसके बाद स्थानीय लोगों को वनों से कुछ लाभ भी तो होना चाहिए। राजस्व की तो प्राप्ति होगी ही होगी, लेकिन इन सभी बातों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। तो इन सभी बातों को सोचते हुए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की। वो कब प्यार दोस्तों, देखिए 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा हुई 1988 ईस्वी में। और इस राष्ट्रीय वन नीति के तहत, ये तय किया गया कि जितने भी राज्य हैं झारखंड में, हैं उनके कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। जितने भी राज्य झारखंड में हैं उनके कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर जंगल होना ही चाहिए। तो ये तो लक्ष्य मिल गया था 1988 राष्ट्रीय वन नीति के तहत 1/3 भाग पर जंगल होना चाहिए। लगभग 33.33% भूभाग पर वन होना ही चाहिए, ये तो टारगेट मिल गया। लेकिन इसी नीति के तहत झारखंड सरकार ने भी कुछ निर्णय लिए, एक ठोस रणनीति पर काम करना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि झारखंड में भी जो टारगेट था 1/3 भाग का वो पूरा नहीं हो पा रहा था। और आपको तो मालूम है कि अपना झारखंड जंगलों से, झाड़ियों से भरा पड़ा है, फिर भी वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो देखिए, आप थोड़ा झारखंड का भूगोल को समझिए। तो प्यार दोस्तों देखिए, झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का कुल क्षेत्रफल। और वन की बात करें तो झारखंड में जो जंगल का क्षेत्रफल है, जो वन का क्षेत्रफल है, वो 23,605 वर्ग किलोमीटर है। 23,605 वर्ग किलोमीटर झारखंड में जंगल है। तो और कितना होता है, 29.62% 29.62% भूभाग पर मात्र जंगल है झारखंड में। तो आपने देख लिया कि जो टारगेट जो था अपना 33.33% का, वो तो पूरा नहीं हो रहा था झारखंड में। तो झारखंड सरकार ने भी 1988 वन नीति के तहत, राष्ट्रीय वन नीति के तहत कुछ ठोस निर्णय लिए, कुछ ठोस नीतियां बनाई। तो वो नीतियां क्या क्या थी प्यार दोस्तों, वो चार नीतियां थी जो झारखंड सरकार ने बनाए। तो वो कौन कौन सी नीति थी, तो प्यार दोस्तों देखिए, वो नीति था प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगी, झारखंड सरकार ने ऐसा नीति बनाया। मतलब झारखंड स्थापना के बाद क्योंकि टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा था, तो वो चार नीतियां जो थी, पहला नीतियां थी कि प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगी, प्रत्येक गांव में, हर एक गांव में। उसके बाद जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य होगा, और उस वन समिति में जितने भी परिवार हैं, जितने भी गांव हैं, मतलब कि फैमिली हैं, उनका एक एक मेंबर, एक एक सदस्य उस समिति में होना ही चाहिए। उसके बाद और इसी के तहत राज्य में 200 वन समितियों का गठन किया गया। प्यार दोस्तों जबरदस्त वाला सब जीके इसमें छुपा हुआ है। और इसी के तहत, इसी नीति के तहत 200 वन समितियों का गठन किया गया, 200 वन समितियों का गठन किया गया। चलिए प्यार दोस्तों अब दूसरी बात को समझते हैं। तो दूसरी नीति क्या थी प्यार दोस्तों, देखिए, ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा। जब जब ग्रामीणों को लगेगा
कि वृक्षारोपण होना चाहिए, इस भूभाग पर वृक्षारोपण होना चाहिए, मतलब ग्रामीणों की जो आवश्यकताएं होंगी, जैसी आवश्यकताएं होंगी उसके अनुसार वृक्षारोपण होगा। बहुत जबरदस्त बात कि ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा। तीसरी बात, वन उत्पादों की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद की जाएगी। जो वन उत्पाद होंगे, वन उत्पाद का मतलब क्या दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बताया था कि वन उत्पाद दो प्रकार के होते हैं। भाग तीन में वन उत्पाद के ही बारे में चर्चा किया था, मुख्य उत्पाद और गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद में लकड़ियां आती हैं और गौण उत्पाद में लकड़ियों के जो अलावा चीजें जो हमें वन से प्राप्त होता है वो आती हैं। तो वो दोनों उत्पादों की खरीद सरकारी एजेंसियां करेंगी, कोई प्राइवेट एजेंसियां वन उत्पादों की खरीद नहीं कर सकती है। उसके बाद अंतिम चौथा वाला, वनों की सुरक्षा का भार ग्रामीण और वन विभाग दोनों के ऊपर होगा। तो वनों की सुरक्षा का भार जो है, ऐसा बात नहीं है कि किसी एक के सिर पे होगा। अगर यदि सरकारी विभाग के लोग जो हैं उनको भी देखना है कि वनों की सुरक्षा कैसी हो, उनको भी चिंतन करना है, ग्रामीणों को भी चिंतन करना है, तो वनों की सुरक्षा का भार दोनों के ऊपर होगा, ग्रामीणों के भी ऊपर होगा और जो सरकारी विभाग हैं उनके भी ऊपर, जो वन विभाग हैं उनके भी ऊपर वनों की सुरक्षा का भार होगा। तो प्यार दोस्तों, ये कुछ ठोस नीतियां थी जो कि झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति के तहत बनाई हुई है। और प्यार दोस्तों, चीजें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल भी छोटा सा वीडियो सेशन था और इसके बाद हम लोग फॉरेस्ट मैनेजमेंट को देखेंगे, वो अपना भाग पाँच में रहेगा, वन झारखंड में वन प्रबंधन, तो उसे भी आपको देखना है और भी एक दो टॉपिक और आएगा। तो प्यार दोस्तों, सभी को आपको देखना है और लेकिन ये सभी 14 नंबर लेसन के ही अंतर्गत आएगा। और प्यार दोस्तों, आज से अपने YouTube चैनल पर इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो रहा है, झारखंड का अर्थव्यवस्था, तो झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी आपको देखना है। भूगोल तो चल ही रहा है और भूगोल का अब बस कुछ सेक्शन बचा हुआ है, कुछ टॉपिक भूगोल का बचा हुआ है। तो भूगोल तो इधर चल ही रहा है, फिर उधर इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा, तो दोनों चलते रहेगा। इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, तो इकोनॉमिक्स को भी हम लोग देख लेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यार दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञान की बातें आपको समझ में आई होंगी। आपके उज्जवल भविष्य की बार बार कामना करता हूँ, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जरूर सफल हों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।